Super hits 93.5 Red FM, J-Man, mera naam aur ye hai. आज वो दिन फ्राइडे सैटरडे सैटरडे का इंतजार करते हो तुम? हाँ करता हूँ ना, क्योंकि जैमिंग में जेमैन आता है और एवरी सैटरडे को 4 से 5 के बीच इंडिपेंडेंट म्यूजिक को फुल सपोर्ट देता हूँ मैं, यानी जेमैन. आज मैंने इनवाइट किया है, एक्चुअली ये लोग आए हैं. ये लोग बहुत ही कमाल के रैपर्स हैं. दे आर फ्रॉम नवी मुंबई. अमेजिंग तरीके से रैप किया है और बहुत अच्छा गाना है इनका. मैंने एक गाना सुना है लेकिन इनके पास 3 गाने हैं ऐसा बोल रहे हैं लोग. सो प्लीज वेलकम रैप्टोनिक्स इन द हाउस. भाई लोग मतलब क्या सीन. तभी छोटे थे, अभी बड़े हो गए. तभी निक्कर में थे, अभी क्या फुल पैंट आ गया. क्या सीन. अभी हम लोग थोड़ा और स्किल्स सीख के, काफी चीजें हम लोग यूट्यूब से सीखे और काफी अपने आप पे भी काम किया हम लोग ने, अपनी स्किल्स डेवलप किए और अब हम लोग है एक नए लेवल पे बोल सकते हैं पहले से अगर कंपेयर करें तो. मेरा नाम है आरिफ खान रैप्टोनिक्स से. मेरा नाम है लकी भेनवाल रैप्टोनिक्स से. और मेरा नाम है सतविंदर सिंह रैप्टोनिक्स. तेरा आवाज जारुल जैसा लगता मालूम तेरे को. Alright, so independent music का scene बहुत sort हो गया, बहुत अच्छा लगा. तुमने वो पहला गाना आया था नवी मुंबई, ये है नवी मुंबई. मतलब मैंने बोला भाई ये बच्चे लोग तो हार्ड है, फुल मचा रहे हैं, मतलब अलग सीन हो रहा है लोग का. तो ये आइडिया कहाँ से आया, किसका था, क्या सीन था? एक्चुअली हम लोग ने जो सबसे उससे पहले ट्रैक किया था उसका नाम था क्यों मुझको छोड़ा तूने. थोड़ा लव ट्रैक था, सैड ट्रैक था, जो की लकी और मैंने साथ में लिया, हम लोग ने किया था. तो उसके बाद जब सतविंदर भी हमारे ग्रुप में आया था, हम लोगों ने सोचा था आप कुछ करते हैं अपने से, क्योंकि मुंबई में हिप हॉप काफी कुछ फैल चुका था उस वक्त. हाँ. और नवी मुंबई में कोई नहीं कर रहा था उस वक्त. तो सतविंदर ने मिला, सतविंदर एक दोस्त है विकी करके, वो बोला था मुझे करना है करना है, और वो मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था उस चीज में. तो सतविंदर मिला और हम लोग बोला नवी मुंबई सॉन्ग करते है कुछ. तो हम लोग अगली रात बैठे, हम लोग नाइट मारते हैं, हम लोग वैसे गाने लिखते हैं और धड़ाधड़ रैप लिख दिए, स्ट्रक्चरिंग कर दिए गाने की और उसको यूट्यूब पे डाल दिया और धमाका हो गया फिर. हाँ हाँ, मतलब कितने व्यूज हुए आपके? 6.5 लाख. अरे नंबर 6.5 लाख रुपए, मतलब ऐसे बोल रहे कि जैसे रुमाल गिर गया है. 6.5 लाख, मतलब वो करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है यार. मतलब जिस तरीके का कैमरा एंगल्स शूट किया है एंड तुम लोग नवी मुंबई का म्युनिसिपल कोऑपरेशन, वाओ, मतलब वो तो मतलब बहुत भारी है यार, बहुत भारी जगह है. शूट एक्चुअली 2 लोग ने किया था, रोशन एंड शुभम दरेश नाम का बंदा. हम लोग ने भी काफी हम लोग सपोर्ट किया वो टाइम पे. ओके, तो अभी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे और आपके नए 2 गाने भी सुनेंगे. ठीक है, थोड़ी देर में लौटेंगे. सो रैप्टोनिक्स को आप कहाँ फॉलो कर सकते हो? इंस्टाग्राम पे लोगों को रैप तो पता ही है, रैप्टोनिक्स RAPTONICZ. क्या बात है. यस, जी हाँ, जे मैन मेरा नाम. मेरे साथ आज जैम करने के लिए है रैप्टोनिक्स फ्रॉम नवी मुंबई. मतलब बहुत भारी. पहले तो ये बताओ यार, क्या है ना कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होना, एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट होना अलग बात होती है, लेकिन जब तुम इसकी बात करोगे कि मतलब तुमको क्रू फॉर्म करने का आइडिया आरिफ कहाँ से आया, ये तुम बताओ. अच्छा, एक्चुअली जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तब मैं अकेला ही था. उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं रैप को ही लेके आगे चलने वाला हूँ. तो मैं घर में बैठ के लिखता था रैप और मम्मी बोलती थी क्या हुआ तू अब डांस से रैप में घुस गया. तो फिर मैंने मम्मी को समझा, मम्मी अब समझ नहीं आ रहा, दोस्त लोग ने बोला या तो तू डांस कर या तो तू रैप. तो मैं करता था, बट उस वक्त तक मेरे दिल में ये नहीं था कि मैं कुछ रैपिंग में ही जाने वाला हूँ. तो मैं अपने कॉलेज जा रहा था उस वक्त और बस स्टॉप पे मैं अपने बस के लिए रुका था और लक्की सामने से आ रहा था और मेरा छोटा भाई लक्की का फ्रेंड है. तो मेरे छोटे भाई को पता था आरिफ भाई बीट पे रैप करते रहते हैं घर पे. तो लक्की उस वक्त मिला मुझे बस स्टॉप पे और बोला अरे आरिफ भाई तुम भी रैप करते हो ना? हाँ रैप करता हूँ. बोला मैं भी कुछ करता हूँ, सुनाऊँ मैं? तो मैंने बोला हाँ लक्की सुना. फिर लक्की ने कुछ वर्ड सुनाया, मैंने सुनाया, मैंने कॉलेज की बस छोड़ दी 2-3. मैंने ये भाई के साथ मैं रैप कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा था. तो मैं घर पे बैठते थे हम लोग, मैं इसको सिखाता था जो मुझे पता था रैप में, ऐसे बीट पे जाना था, टेम्पो रहता है, ये रहता है, फ्लो वगैरह. हम लोगों ने किया, फिर पहला गाने डाले. फिर उसी के दौरान मेरे दोस्त के घर पे सतविंदर आया था, एक रैपर आया था. फिर हमें सतविंदर मिला और फिर सतविंदर हम लोगों को दिखा कि ये बंदा है जिसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं. फिर हमने सतविंदर के साथ मिले और मैं हम लोग घर के नजदीक एक तालाब है जिधर काफी सारे मच्छर है जो काटते रहते हैं हमें. बट फिर भी हम लोग अपने हुनर, अपने पैशन के लिए, इतना पैशनेट हिप हॉप के लिए, तो हम लोग बैठे हैं उधर रैप करते हैं, हम लोग अपने गाने लिखते हैं. फिर काफी कुछ सोचने के बाद हम लोग एक नाम मिला था रैप सिटी करके, क्योंकि हम लोग सोचे थे अपने एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, या मतलब ऐसा वाइस सिटी जैसा रैप सिटी कर सकते. बट फिर वो नाम हमने गूगल किया तो किसी और का था पहले से. तो मेरे दिमाग में एक नाम चला था कि अपन करेंगे तो नाम से लोगों को अपना काम पता चले. तो रैप्टोनिक्स करके एक निकला फिर. क्या बात है, रैप के जरिए देख सकते. क्या बात है, टी शर्ट भी आ गया, प्रिंट हो गया. ये टी शर्ट खरीदने को किधर मिलेगा भाई, बोल दो. इंस्टाग्राम पे DM करो, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे.
बहुत भारी। तो फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम, किस किस चीज का इंतजार कर रहे हैं हम, ठीक है? तो फिर मैं शुरू करता हूँ एक बेसिक बीट के साथ, एंड देन यू स्टार्ट विथ योर वर्सेस, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा चिल करेंगे, लेकिन मेरे सांसों को फूला मत देना, बस। ऑलराइट, वन अ टू अ थ्री अ गो। गुमनाम रे तशान चुपचाप के दबात थे पॉप लेके साथ, आज करता हुआ कास मेरे साथ विश्वास खाते काम बात, तू डाउन जात में अगर जात तू रहना खबरदार, बरकुदार मेरे चार जे संसार है बेकार, जिसके पास रुपए चार उसकी जास बरकरार, जिसके पास रुपए पांच उसके दो गिले किरदार, मैं फौलाद की औलाद कहूँ वास्तविक बात, काटू शब्दों को जैसे सलाद, मारू गड़बड़ पे जैसे चमाट, ये खादात के बुरे सौगात, यो मात शहन चखती थी कम पर अच्छे थे हालात, क्योंकि गरजता है बादल बरसता हूँ मैं, सफलता है आजकल ही डरता हूँ मैं, क्योंकि लड़खड़ा के गिर चुका था, फड़फड़ा के थक चुका था, लापता मैं हो चुका था, लक्ष्य अपना खो चुका था। हाँ, पहला रैप लिखा 10th की क्लास में, गाता था गाने तब मैं बचकानी आवाज में, अकेला हूँ खड़ा ना कोई मेरे साथ में, जेब है खाली पर बड़े मेरे ख्वाब है, दर बदर की ठोकरे में खा के करवटे बदलता, रातों में मैं जागता सपनों के पीछे भागता, सफलता का तो ना पता हाँ क्रेज था ये रैप का, जो पीठ पीछे भौंकते होगा उनका खात्मा, परमात्मा मैं बन चुका संगीत का, हाथ ना मैं छोड़ू मैं जुबान से हूँ पीटता, बेकर तू मुझको शब्द सुन के है तू चीखता ना, बेवजह मैं फेंकता मैं असलियत पे लिखता। Raptonicz, Red FM, 93.5, Jman on the beat, asuno, कान खुला करके सुनो मेरी बात को, चलता दिमाग मेरा बस आधी रात को, घर वाले कहते बेटा क्या बनना है आपको, रैपर बनना है मुझे जरा समझो मेरी बात को, बढ़ती अम्मी मेरी देती मुझको डांट को, फिर इसी डांट में मैं ढूंढता हूँ प्यार को, माँ के आगे जाके पैर मैं दबा के मांगता हूँ, माफी मिलते पैसे बनते मेरे रैप तो, हाँ बंदा ढीठ हूँ मैं करता हूँ वही जो दिल को लगे सही, लेकिन नशे नहीं क्योंकि नशा बेकार, सीने में टार जीना बेकार, जिंदगी मिली है एक बार तो नशे को करो इनकार, यहाँ गाड़ियों से ज्यादा सरकार ने है ठोका, अच्छे दिन आएंगे के पहनाया टोपा, गटर बनना समंदर समस्या देश के अंदर, राजनीति बनी खेल मंत्री बन गए मदारी, संस्कारी अहंकारी था ये देश मेरा, अब हो गया है ऐसा तू भाई देख तेरा, आजाद होकर भी आजाद नहीं कभी था, तेरा मेरा नहीं ये देश है हम सभी का। रेड एफएम 93.5, आगे मैं सांस फुला दिया, बट आई विल बी बैक विद रैप्टोनिक्स, सुपर हिट 93.5 रेड एफएम, अभी आग लगाना बाकी है, बजाते रहो।